हमारे पास क्या था भाई, एक सेमी इनफाइनाइट वायर था, हमने फॉर्मूले याद कर लिए ना इन सबके, ठीक है। तो हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसपे चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा वन, और ये वायर जहाँ पे एंड हो रहा है उसको सेंटर मान के एक रिंग रखी हुई है, रिंग की रेडियस है आर, और इसकी चार्ज, इस पर चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा टू। तो क्वेश्चन था कि फाइंड द फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू वायर, तो निकाल लिया। कितने लोगों को आ गया, कितने लोगों ने ट्राई करा घर जाके, नहीं आया इतना, ऐसा तो कुछ था नहीं यार कि ट्राई करो नहीं आए। करी थी कोशिश, चलो क्या आ रहा है आंसर बताओ नीरज। लैम्डा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, बस इतना ही, ठीक है। तुम्हारा क्या रहा है, टू पाई, यही हो जाएगा टू पाई के लैम्डा वन लैम्डा टू, ठीक है। चलो मतलब आर के इंडिपेंडेंट आ रहा है, आर के इंडिपेंडेंट आया है इसकी रिंग की रेडियस के, नहीं लैम्डा में आनी है, लैम्डा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है ये मत सोचो, ठीक है। तो आर के इंडिपेंडेंट आ रहा है ना रेडियस, अगर मैं यही लैम्डा रख के रेडियस बड़ी कर दूँ तब भी यही फोर्स आएगा, तो ये मत बोलो कि लैम्डा इज नॉट द फंक्शन ऑफ आर, बैठो ठीक है, फिर निकालते हैं ना। चलो तो अपन इसको दो मेथड से करेंगे ना, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वायर के कारण रिंग पे फोर्स निकालूंगा, फिर दूसरी मेथड में क्या करूँगा, रिंग के कारण वायर पे फोर्स निकालूंगा। क्या दोनों फोर्स सेम आएंगे, क्यों ऐसे कैसे बोल सकते सेम आएंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, आने तो चाहिए, अब देखते हैं आते या नहीं आते। तो करते हैं ना मेथड नंबर वन, फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू सेमी इन्फाइनाइट वायर, ठीक है। तो रिंग पे फोर्स निकालना है किसके कारण, वायर के कारण, तो वायर के कारण फोर्स निकालना है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी निकालेंगे, वायर की। देखो रिंग पे फोर्स निकालना है तो रिंग पे फोर्स किस कारण से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो जहाँ जहाँ रिंग है उस हर एक स्पेशियल पॉइंट पे मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा होगा, वायर क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि मुझे वायर के कारण फोर्स चाहिए रिंग पे, समझ में आई क्या बात। तो चलो इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं, इसको कुछ पॉइंट बोलते थे, इस पॉइंट पे देखते हैं क्या होगी। तो बताओ वायर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से क्रिएट करता है, इस डायरेक्शन में क्या क्रिएट करेगा, के लैम्डा बाय आर, यही तो कर रहा था यार, ये तो कहा था ना कल, याद कर लो। अगर यहां पर कोई पॉइंट ले लेंगे तो कैसे क्रिएट करेगा, रेडियली आउटवर्ड, एक के लैम्डा बाय आर रेडियली आउटवर्ड आ रहा है, और एक के लैम्डा बाय आर पैरेलल टू द वायर आ रहा है। अगर जैसे यहां पे ले लोगे तो एक के लैम्डा बाय आर क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, और एक के लैम्डा बाय आर नीचे। तो यहां पे देख रहे हो जो रेडियल वाला कंपोनेंट है के लैम्डा बाय आर का, उसके कारण जो फोर्स आएगा वो कैंसिल आउट कर जाएगा, वो चारों ओर सिमेट्रिक आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको, इस वाले को ये कैंसिल आउट कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे, फोर्स ओवरऑल फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले को इस डायरेक्शन में भी एक के लैम्डा बाय आर आ रही होगी और एक नीचे आ रही होगी। तो ये समझ रहे हो कि फोर्स जो बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है सिर्फ वही बचेगा, और कोई तो बचेगा नहीं, और सिमेट्री भी बोलती है, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो है ना, क्योंकि इसके अराउंड एक्स वाई में सिमेट्री है, तो एक्स वाई में से किसी डायरेक्शन में आ नहीं सकता, एक्स वाई प्लेन में सिर्फ जेड डायरेक्शन में आ सकता है अलोंग द वायर फोर्स, तो वही आएगा सिर्फ नीचे के डायरेक्शन में आएगा, तो हम उसको निकालते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये एलिमेंट मान लेते हैं एक, इसकी लेंथ है डीएल, ठीक है। तो इस डीएल एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा बताओ, डीक्यू कितना होगा, लैम्डा टू इंटू डीएल, यही होगा ना, क्योंकि रिंग पे जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा टू है, और मैं रिंग पे चार्ज निकाल रहा हूँ, तो रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, ठीक है। अब बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल ली, फोर्स क्या हो जाएगा बताओ इस पे, जो छोटा सा फोर्स होगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, तो फोर्स भी जेड डायरेक्शन में आ रहा है,
तो क्या आएगा वो भाई, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, वायर के कारण, जेड डायरेक्शन में, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन वाला तो कैंसिल आउट कर जाएगा, ये मुझे दिख गया है ऑलरेडी। तो क्या आया तुम्हारा, लेमडा 2 dl, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वायर के कारण, इसको लेमडा 1 लिख देते हैं ना, क्योंकि ये वायर की चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा 1 थी, के लेमडा 1 बाय आर, ये आया क्या, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते, तुम्हें नेट फोर्स चाहिए, एफ जेड इंटीग्रेंट डी एफ जेड, इसको सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सारे के सारे फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर सकते हैं। तो देखो के, के को चलो पहले क्या लिख दें, के को क्या लिख सकते हैं, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय आर, ये तो कांस्टेंट है इतनी। इसके बाद अंदर क्या आ रहा है, इंटीग्रेंट dl। अब क्या बोल रहा है, रिंग पे ये जितने भी dl एलिमेंट है इन सबको ऐड कर दो, ये छोटी छोटी लेंथ को पूरे रिंग पे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 2 pi r, है ना, रिंग की पेरिफेरी। तो 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय आर इंटू 2 pi r, तो कट गया 2 pi से ये गया। तो फोर्स कितना आया बताओ, नेट फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू वायर लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय 2 epsilon naught, तो रेडियस के इंडिपेंडेंट है। देखो कोई डाउट हो तो, आसान सा क्वेश्चन था, लैम्डा 2 में रेडियस, ये देखो क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन से भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है, मैट्रिक्स मैच आ जाती है, उसमें बस यही पूछेंगे बताओ कौन सी चीज़ किसके इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है, तो ये डिसाइड करना भी आना चाहिए। तुम बताओ चलो कैसे डिपेंडेंट है, खड़े हो जाओ पहले, हाँ अच्छे से बोलो ना, क्या होता है फॉर्मूला, क्या चार्ज अपॉन एरिया की पेरिफेरी लेंथ लेमडा निकाल रहे हैं ना, हाँ तो उसमें कहाँ आ रहा है बताओ, लेंथ में आ रहा है, तो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है क्या, मान लो आयरन की, मैंने एक सॉलिड स्फीयर बनाया, अब आयरन की जो डेंसिटी है तो है, मान लो सॉलिड स्फीयर की मैंने साइज डबल कर दी, तो डेंसिटी चेंज कर जाएगी क्या, नहीं करेगी, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला तो होता है मास वाई 4/3 pi r³, तो जब मैं उसकी साइज डबल कर रहा हूँ तो रेडियस तो डबल हो गई ना, तो डेंसिटी फिर चेंज कर जानी चाहिए। तुम्हें नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है, पर मास सेम रहेगा क्या, हाँ आयरन है, अरे चलो पानी है बकेट में, एक आधी बकेट पानी था, उसकी डेंसिटी रो थी पानी की, अब उसमें आधी बकेट पानी और डाल दिया, तब उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो ही रहेगी ना, तो समझ रहे हो ना, जिस तरह से जिस रेट से वॉल्यूम बढ़ रही है उसी रेट से मास भी बढ़ रहा है, ये साथ ये बात समझ में आई। तो जस्ट बिकॉज तुम्हें फॉर्मूले में कोई क्वांटिटी दिख रही है इसका मतलब ये नहीं है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये क्लियर है क्या पहले, अरे ये क्लियर है या नहीं, ये क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या है भाई, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय आर, अब ये तुम ये बोल दो कि भाई जो क्यू है वो आर का लीनियरली डिपेंड कर रहा है, तुम ऐसे बोल दो, समझ में आ रहा है ना, मैं ले लेता हूँ, मैंने ऐसा मटेरियल लिया जैसे डेंसिटी कांस्टेंट थी, मान लो मैंने ऐसा मटेरियल लिया है जिसमें मैं लैम्डा कांस्टेंट रख रहा हूँ, बात समझो, मैं क्यू को कांस्टेंट रख सकता हूँ, अगर मैं क्यू को कांस्टेंट कर दूँ, लैम्डा क्या है, क्यू बाई 2 pi r, अगर मैं क्यू को कांस्टेंट कर दूंगा हाँ तो फिर लैम्डा रेडियस पर डिपेंड करने लगेगा, समझ रहे हो, पर वो तो मैं इंटेंशनली कांस्टेंट कर रहा हूँ ना, यहाँ पे लैम्डा क्यू आर सबके सब इंडिपेंडेंट है ना, तुम चाहो तो डिपेंडेंट बना सकते हो, चाहो तो इंडिपेंडेंट बना सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होगा, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली, तो लैम्डा को रेडियस से कोई रिलेशन नहीं है, लैम्डा एंटायरली डिफरेंट चीज़ है, वो तुम पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है, पर यूनिट लेंथ में तुम 5 कूलम दे सकते हो 10 कूलम दे सकते हो, उसका रेडियस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है हो गया। चलो इसका दूसरा वाला करो, खुद से करो अभी वाली चीज़, फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग निकालो कितना आएगा,
और हम वेरीफाई भी कर लेते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को। याद रखना, जिस चीज़ के कारण फोर्स निकाला जाता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अभी वायर के कारण फोर्स निकाला था तो वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब रिंग के कारण फोर्स निकालना है तो किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? रिंग की। और कहाँ पे चाहिए? जहाँ पे वायर है। चलो ठीक है, अगर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, मैथमेटिकल वाला इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं कर देता हूँ। और बाकी एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, अभी फिजिक्स में वही इंपॉर्टेंट है सिर्फ। और बाकी मैंने बताया, अगर देखो इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को आर साइन थीटा या आर कॉस थीटा रख दो, उससे सॉल्व हो जाएगा। अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आ रहा है तो एक्स को आर टेन थीटा रख दो, इससे सॉल्व हो जाते हैं। अभी अपने करे भी तो हैं ये तरीके, ठीक है। देखो इस रिंग के कारण है ना इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और कहाँ चाहिए? जहाँ वायर है, क्योंकि वायर पे फोर्स निकालना है ना। तो मान लेते हैं वायर पे एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं पी पॉइंट, इस पे फोर्स निकालना है। और एलिमेंट क्या मान लेते हैं? डी एक्स लेंथ का। इस एलिमेंट पे मान लेते हैं चार्ज कितना है? डी क्यू। तो डी क्यू कितना हो जाएगा बताओ? लैम्डा बनाएंगे लेंगे या लैम्डा टू, है ना, क्योंकि चार्ज किस पे? वायर पे। तो लैम्डा वन इंटू डी एक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो रिंग के कारण हमें पता ही है अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कुछ आती है, ये वाली है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण है, आर लिख देता हूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग क्या होती है? फॉर्मूला बताओ, के क्यू। क्यू क्या हो जाएगा बताओ रिंग पे? टोटल लैम्डा टू इंटू टू पाई आर, ये टोटल चार्ज है ना। अरे कल फॉर्मूला पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस के क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, ये आ गया तुम्हारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। और के को क्या लिख सकते हैं अपन? 1 बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा तुम्हारा लैम्डा टू आर एक्स वाई टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई, तो इस पर बताओ फोर्स कितना आ जाएगा? इस पर जो फोर्स आएगा डी एफ, वो क्या होगा? फोर्स ऑन वायर ड्यू टू रिंग कितना आएगा भाई? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है तुम्हारा? लैम्डा वन डी एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? लैम्डा टू आर एक्स डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इन दोनों को, टू एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर थ्री बाई टू। देखो इतना पूरा तो कांस्टेंट है, तो अगर नेट फोर्स चाहिए तो सिर्फ किसको इंटीग्रेट करना है? इसको करना है। और एक्स की लिमिट क्या होगी? जीरो से इन्फिनिटी। अगर इतना लिख दिया तो भाई हो गया है ना, फिर इतना एक्सप्रेशन लिख लिया तुम लोगों ने तो सही है, फिर यही आना चाहिए ना। इसके आगे की तो फिर मैथ से पर, ठीक है, वो भी अब आनी तो चाहिए। अब मैथ्स क्या ही है? देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का है ना, मान लो एक्स को आर साइन थीटा रख दूँ तो क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो क्या आ रहा है? वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कोई फॉर्मूला होता है? अब पर एक्स को आर टेन थीटा रख दें तो काम हो जाएगा। देखो अगर एक्स को आर टेन थीटा रख दो तुम, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है बताओ? आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, दिख रहा है? ये करा हुआ है हमने, ठीक है। तो अब एक्स को आर टेन थीटा रख, तुरंत इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दो तो डी एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा? आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और लिमिट्स क्या आ जाएंगी बताओ? जब एक्स जीरो है, क्योंकि अब तुमने देखो वेरिएबल चेंज कर दिया ना, वेरिएबल एक्स की जगह क्या कर बना रहे हो तुम? थीटा। तो लिमिट्स भी थीटा के टर्म में रखनी पड़ेगी। तो जब तुम्हारा एक्स जीरो है तब थीटा कितना होगा बताओ? इस इक्वेशन से एक्स को जीरो रखो, थीटा कितना आ रहा है? जीरो डिग्री। एक्स को इन्फिनिटी करो भाई, थीटा कितना आ रहा है? पाई बाय टू, समझ में। और इंडीड यहाँ पे बताइए, ये सब मैथमेटिक्स नहीं है, यहाँ पे इस थीटा का फिजिकल मतलब भी तुम देख सकते हो, फिजिकल मीनिंग। देखो टेन थीटा तुमने क्या माना है? एक्स बाई आर। तो वो बता क्या रहा है? जब तुम बोल रहे हो टेन थीटा एक्स बाई आर है, तो देखो एक्चुअली वो यही एंगल तो बता रहा है। देखो नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला बता रहा है, ये वाला एंगल बता रहा है।
तो टेन थीटा तुम्हारा एक्स वाई आर आ गया ना, तो जब इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाओगे एक्स जीरो होगा तो थीटा कितना हो गया, और जब इसको उधर ले जाओगे तो थीटा। तो फिजिक्स में चीज़ें दिखती भी हैं, ये मैथ्स में नहीं दिखेगा तुम्हें कभी, पर फिजिक्स में ये दिख भी जाएगा कि यहाँ पे थीटा का मतलब क्या है। वो सच में एक वेरिएबल है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। आया समझ में? करें फिर अब। चलो तो फोर्स कितना आ गया भाई अपना, लैम्डा वन लैम्डा टू आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट लिमिट जीरो से पाई बाई टू। एक्स की जगह पे क्या रखेंगे बोलो, आर टेन थीटा। डी एक्स की जगह पे रखेंगे आर सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बना, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। वन बाई टू लगाएंगे तो आर सेक थीटा, और फिर थ्री की पावर लगा देंगे तो आर क्यूब। बिल्कुल सेम इंटीग्रेशन आया था पिछली बार भी, ये कट गया ये कट गया। टेन थीटा को क्या रखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा। सिर्फ क्या बचा तुम्हारा, ये तुम्हारा बचा है लैम्डा वन लैम्डा टू बाई आर टू एप्सिलॉन नॉट, और एक आर नीचे से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा डी थीटा लिमिट जीरो से पाई बाय टू। अब ये इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे क्या? तो ये दिखने में ऐसा था पर बन ऐसा गया। अब कर दो भाई, साइन थीटा जीरो से पाई बाई टू के बीच में कितना आता है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये तुम्हारा वन हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। तो तुम्हारा फोर्स कितना आ गया, लैम्डा वन लैम्डा टू बाय टू एप्सिलॉन माइनस नहीं आएगा, देख लेना ना करके, प्लस हो जाएगा वो माइनस माइनस। तो यहाँ पे देखो न्यूटन थर्ड लॉ को हमने भाई वेरीफाई भी कर लिया, दोनों में देखो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग एक्सप्रेशन थे, सब कुछ पूरा अलग था, पर फाइनल रिजल्ट सेम आ रहा है। वायर रिंग पे जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स रिंग भी वायर पे लगा रही है। लिख लिया? चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लो यहीं पे। रिंग की जगह मैंने क्या रखा, आर रेडियस की डिस्क रख दी जिसकी चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा, और वायर पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। अब क्या करना चाहते हो, जो जैसे करना चाहते कर लो, है ना। चलो अभी एक काम करो, लिखो फाइंड द फोर्स ऑन वायर ड्यू टू डिस्क। नहीं ये वाला तुम घर पे जाके करना है ना, इसको भी दो मेथड से तुम्हें सॉल्व करना है। अभी जो सॉल्व करोगे वो लिखो फाइंड द फोर्स ऑन डिस्क ड्यू टू वायर, अभी इसको सॉल्व करो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फाइंड द फोर्स ऑन डिस्क ड्यू टू वायर, अभी वायर के कारण डिस्क पे फोर्स निकालो, फिर घर पे जाके क्या करोगे, डिस्क के कारण वायर पे निकालना, और रिजल्ट सेम आ जाए तो सही है वरना गलत है। डिस्क ड्यू टू वायर, चाहो तो इसमें पिछले वाले का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। यही तो करते हैं, जब डिस्क पे निकालना होता है तो रिंग को इंटीग्रेट कर देते हैं ना। फोर्स ऑन डिस्क ड्यू टू वायर, फिर से बोलो, इंटू आर टू यार है, ठीक है तुम्हारा किसका आया यार है, ठीक है फोर आ रहा है तुम्हारे में। चलो ठीक है फिर करके देख लेते हम लोग, है ना। देखो भाई आप फिर से देखो, अच्छे से बना देते पहले डिस्क, है ना, एक अच्छी डिस्क बनाते हैं। ये लो ये हमारी डिस्क है, ये डिस्क बना ले। अब मुझे वायर के कारण डिस्क पे फोर्स निकालना है, तो क्या तरीका क्या है कि पहले कुछ स्मॉल आर रेडियस की एक रिंग मानो जिसकी विड्थ कितनी है dr। पहले सबसे पहले अपन इस रिंग पे फोर्स निकालेंगे, क्योंकि वायर के कारण रिंग पे कितना फोर्स होता है ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल के रख लिया है वो एक्सप्रेशन,
कितना आया था बताओ वो फोर्स, वायर के कारण रिंग पे कितना फोर्स आया था, लैम्डा वन लैम्डा टू वाई। मैं सीधा इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा और इस रिंग को इंटीग्रेट कर दूंगा। मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को यूज़ करके ये एलिमेंट्री रिंग पे फोर्स निकालूंगा और इस रिंग को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पूरी डिस्क पे फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे वायर का लैम्डा चाहिए वो है, फिर किसका लैम्डा चाहिए, रिंग का। अभी जो नई रिंग मानी इसका लैम्डा तो निकालो पहले, तुम्हें तो डिस्क का सिग्मा पता है, तुम्हें नई रिंग का लैम्डा चाहिए। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। मान लो इस पूरी की पूरी रिंग पर चार्ज कितना है, डी क्यू, तो बताओ रिंग का लैम्डा कितना हो जाएगा। चार्ज भाई क्या होता है, लेंथ। अरे लैम्डा का फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल चार्ज भाई लेंथ। लेंथ कितनी है इस रिंग की, 2πr। ठीक है, अब ये डी क्यू होगा कितना बताओ, इस रिंग पे चार्ज होगा कितना, सिग्मा इंटू डी ए भाई 2πr। देखो स्टेप बाई स्टेप चल रहे पूरा। सबसे पहले यहाँ पे लैम्डा निकालना है, लैम्डा की भी डेफिनेशन थी चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ का। अब मुझे पता है चार्ज निकालना मुझे आता ही है रिंग पे, ये बोला था डी क्यू इक्वल, जब सिग्मा दिया होगा तो डी क्यू कैसे निकालेंगे, सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए क्या होता है बताओ, यहाँ पे 2πr डी आर बाई 2πr, तो ये तो कट गया। तो देखो सिंपल सा आ गया, रिंग का लैम्डा क्या है, सिग्मा इंटू डी आर। ठीक है, अब कुछ भी नहीं पता क्वेश्चन में। अब इस सबसे पहले इस रिंग पे फोर्स निकाल लेते हैं, इस रिंग पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है, नेट फोर्स। मैं एक एक एलिमेंट पे फिर से नहीं निकाल रहा हूँ, वो मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कर दिया था। अब मैं बोलो नेट फोर्स कितना है इस रिंग पे वायर के कारण, वो डी एफ बोल रहा हूँ, तो डी एफ मेरा आ जाएगा लैम्डा वन, क्या है यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा टू कितना है यहाँ पे, सिग्मा डी आर लैम्डा डिवाइडेड बाई 2f। ये मैंने फोर्स निकाल लिया इस एलिमेंट्री रिंग पे वायर के कारण पिछले क्वेश्चन का डेटा यूज करके। ठीक, अब क्या करना है, अब तो कुछ ही नहीं है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेंट डी एफ, लैम्डा कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 2f नॉट कांस्टेंट, इंटीग्रेंट डी आर। बताओ इस रिंग से अगर डिस्क बनानी है तो स्मॉल आर को कहाँ से कहाँ तक वेरी करें, जीरो टू कैपिटल आर। तो नेट फोर्स आ गया लैम्डा सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये सही आंसर है। ये सबसे डिफिकल्ट वाले हैं इसमें, वो डिफिकल्ट कुछ नहीं, इंटीग्रेशन है, अगर वो आ गया तो सब सही है फिर। इसलिए बोलो एक बार इंटीग्रेशन को अच्छे से सीख लो, एक बार सीखना होता है फिर हमेशा के लिए हो जाता है। देखो ये वायर पॉजिटिव है, ये डिस्क भी पॉजिटिव है, तुम खुद बताओ अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे। हो गया, कोई डाउट है इसमें नहीं है। अब एक चीज़ देखो है ना, जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो सीधे एक वायर दे देंगे और एक डिस्क दे देंगे और बोलेंगे फोर्स निकालो। ठीक है, तो उस केस में सबसे आसान तरीका क्या है, फोर्स ऑन वायर ड्यू टू डिस्क निकाल लो। अगर तुम इस तरीके से जाओगे, समझ रहे हो ना, तुम डिस्क पे वायर के कारण फोर्स निकालने की अगर कोशिश करोगे तो पहले तुम्हें रिंग के लिए एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, एक इंटीग्रेशन, फिर दूसरा इंटीग्रेशन रिंग को इंटीग्रेट करके डिस्क पे निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे तो मैंने तुमको दो पार्ट में क्वेश्चन करवा दिया तो तुमको अब समझ में आ रहा है, आसान लग रहा है। अगर सीधा ये क्वेश्चन दे देता और वो लिखता ना तो मैं समझ में भी नहीं आता। एक क्वेश्चन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहले रिंग के लिए निकलवाया फिर डिस्क के लिए कर दिया उसको। समझ रहे हो वाली चीज़, तो रिंग वायर के कारण डिस्क पे निकालने से अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे, एक रिंग के लिए एक डिस्क के लिए, उससे बेटर क्या है डिस्क के कारण वायर पे निकाल लो। फॉर्मूला क्या होता है डिस्क के कारण, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, उसको इंटीग्रेट करना आसान होगा, उसको घर पे जाके इंटीग्रेट करना और सेम एक्सप्रेशन आना चाहिए, फाइनल एक्सप्रेशन यही आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो और क्वेश्चन लिख करते हैं थोड़े। एक फाइनाइट वायर है, फाइनाइट रॉड है, उस पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ठीक है,
और तुम्हें एक पॉइंट किसी पी पॉइंट पे निकालना है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है और ये डिस्टेंस डी है. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. फॉर्मूला आता ही है तुम लोगों को, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का. ई परपेंडिकुलर बताना है और ई पैरेलल बताना है. ई परपेंडिकुलर होता है के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ई पैरेलल हो जाएगा के लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा. क्वेश्चन में बस अल्फा बीटा तुम्हें सही सही पहचानना है. अल्फा बीटा अगर सही सही पहचान लिया तो हो गया काम. सोमनाथ चलो देखो भाई. तो क्या था भाई, अपनी रॉड ये होती थी, पॉइंट पी पे निकालना होता था. अब अल्फा बीटा सबसे पहले तो डिसाइड करना सीखो. ई पैरेलल से अल्फा बीटा निकलता है ना. ई पैरेलल जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन वाला एंगल क्या कहलाएगा, अल्फा. हम ई पैरेलल इस डायरेक्शन में लेते तो अल्फा ये कहलाता था. ई पैरेलल मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो अल्फा कौन सा हो गया, ये, और बीटा कौन सा हो गया, ये. मतलब फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है, देखो वो तो सीधा सा अगर तुम ये भूल भी जाते ना तो ऐसे याद रखो. इस पर अगर परपेंडिकुलर बाईसेक्टर बना दोगे तो परपेंडिकुलर बाईसेक्टर पे ई पैरेलल क्या होगा, जीरो. इसके इस तरफ जाओगे लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो ई पैरेलल लेफ्ट में आ जाएगा, राइट हैंड साइड जाओगे तो ई पैरेलल राइट में आ जाएगा. तो मान लो अगर तुम ये भूल भी जाते हो तो लास्ट में जाके करेक्ट कर देना डायरेक्शन. ठीक, चलो ये अल्फा हो गया, ये बीटा, ये क्लियर है क्या. अब सोचो, अब मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए. अगर इस पॉइंट को मैं बिल्कुल यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो अल्फा कितना हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर लेके आ जाऊँगा तो अल्फा ज़ीरो हो जाएगा. अरे ऐसा अगर कर दूँ मैं इस पॉइंट को बिल्कुल यहीं ले लूँ पी पॉइंट, तो ये तो बीटा हो गया, यहाँ पे अल्फा कितना हो गया. अगर पी पॉइंट को जस्ट एंड पे ले लूँ, एक एंड पे, तो अल्फा ज़ीरो हो गया ना. तो सोचो यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव था, यहाँ पर अल्फा ज़ीरो हो गया, अगर इधर ले जाऊँगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, नेगेटिव. तो यहाँ पे बीटा तो मुझे क्लियर दिख रहा है, बीटा इज 60 डिग्री, अल्फा कितना है, माइनस 30 डिग्री. ठीक है, अब इससे आंसर आ जाएगा. देख लो कोई डाउट है तो. अल्फा नेगेटिव क्यों हो गया, ये समझ में नहीं आया. यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव है. अगर ये पॉइंट जो एंड पे परपेंडिकुलर बनाया ये इस लाइन के लेफ्ट में आएगा अगर पॉइंट, तो अल्फा पॉजिटिव है. इस लाइन पे आ जाएगा देखो तो अल्फा ज़ीरो हो गया, और इधर पे आ जाएगा इस लाइन के राइट हैंड साइड तो अल्फा नेगेटिव होगा. बेटा पर डायरेक्शन पहचानना आना चाहिए. अगर तुम डायरेक्शन पहचान पा रहे हो ना तो सही है. पर जब तुम बोलते बोल रहे हो ना कि अल्फा तुम इस एंगल को मान रहे थे, जब तुम अल्फा इस एंगल को मान रहे थे तो तुम वहीं पे मान रहे हो कि तुमने ई पैरेलल इस डायरेक्शन में माना है. अगर इतना करेक्शन खुद से कर पाते हो और समझ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. बातें यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है तुम्हारे आंसर में, क्योंकि अल्फा बीटा नेगेटिव पॉजिटिव कॉस के अंदर आ रहे हैं, तो ई पैरेलल वाले पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ई परपेंडिकुलर वाले पे फ़र्क पड़ेगा. हो गया, ये बड़े आगे. चलो एक और सिंपल सा यहीं पे ले लो यार, एक और कर लो क्वेश्चन. बताओ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी. तो डायरेक्शन क्या होंगे बताओ पहले तो फील्ड के. एक तो यहाँ पे होगा और ये यहाँ पर होगा. तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा तुम्हारा और बीटा कितना हो जाएगा, कर लो ऑफिस में रख देना, आंसर आ जाएगा. ठीक है, लो अगला क्वेश्चन लो भाई. ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. तुम्हें बस अल्फा बीटा पहचानना सीखना है. अब ये करके दिखाओ तो बात है.
अच्छा, और डी क्या लिया था यहाँ पर तुमने, है ना? डी इसको मतलब लेना, बस ये डिस्टेंस था डी, तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, वो डी कॉस 45 डिग्री डी बाई रूट टू था। ये करो, पॉइंट पी यहाँ पर है एट ए डिस्टेंस आर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पे डी कितना है, अल्फा बीटा कितना है, और समाओ मुझे ये तो दिख ही रहा है परपेंडिकुलर तो जीरो होने वाला है, और फिर भी चलो दिखा देते हैं, अभी के लिए दिखाई देते हैं, प्रूफ कर देंगे। तो पहले देखो, अल्फा इज टेंडिंग टू पाई बाई टू, नहीं माइनस पाई बाई टू, एंड बीटा इज टेंडिंग टू पाई बाई टू, एंड डी इज टेंडिंग टू जीरो। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अरे भाई यहाँ पे बनाओ एक मिनट तुम, पहले ये अल्फा है ये बीटा है, इस पॉइंट को मान लो यहाँ पे लेके आ जाओ, तो ये डी तो जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट को जैसे जैसे नीचे लाऊंगा ये एंगल बढ़ते जाएंगे ना, अल्फा और बीटा दोनों पाई बाई टू पे टेंड करेंगे, अगर इस पॉइंट को यहाँ पे उठा के ले आऊंगा तो, दिख रहा है? पर क्योंकि ये यहाँ पर है तो अल्फा तुम्हारा नेगेटिव होना चाहिए, तो अल्फा माइनस पाई बाई टू पे जा रहा है, बीटा पाई बाई टू पे जा रहा है, और डी जीरो पे जा रहा है। तो पहले तो देखते हैं ये एक्सप्रेशन आंसर देगा या नहीं देगा। देखो ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू और माइनस साइन पाई बाई टू, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बोल रहा है क्या ऐसा? तो ये प्रूव कर रहा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नहीं कर रहा? क्यों? टी भी क्योंकि जीरो पे जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि जैसे अल्फा बीटा वहाँ पे टेंड कर रहे हैं, डी भी जीरो पे टेंड कर रहा है, तो ऊपर वाला भी जीरो आ रहा है और नीचे वाला भी जीरो पे आ रहा है, तो ये क्या फॉर्मेट बन गया तुम्हारा, जीरो बाई जीरो का। तो ये हमें कोई भी आंसर नहीं दे रहा, ये फॉर्मूला हमको कोई भी आंसर नहीं दे रहा इस केस में। ये नहीं कि क्योंकि तुम्हें जीरो चाहिए था और बस दिख गया जीरो तो मार दिया, नहीं दे रहा ये कोई आंसर नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि ऊपर भी न्यूमरेटर भी जीरो पे जा रहा है और डिनोमिनेटर भी किस पे जा रहा है। यहाँ पे रख के देखो, कॉस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, जीरो, और माइनस पाई बाई टू भी जीरो ही होगा, तो ये वाला भी जीरो पे जा रहा है और नीचे वाला भी जीरो पे जा रहा है, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा क्या कर रहा है, फेल कर जा रहा है, यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट दे रहा है इंडिटरमिनेंट। तो फिर क्या कह रहे हो, बेसिक इंटीग्रेशन पे जाओ, जब ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा तो बेसिक इंटीग्रेशन पे जाते हैं। यहाँ से क्या करते हैं अपन, है ना? तो ये समझ में आना चाहिए कि ये आंसर नहीं दे रहा है, ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट दे रहा है ये वाला फॉर्मूला, तो मैं इंडिटरमिनेंट बोल रहा है। तो हम फिर इंटीग्रेशन पे जाके नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो मैं इंटीग्रेशन से कर लोगे, कैसे करेंगे बताओ? एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स विड्थ का एक एलिमेंट बांधते हैं, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो डी क्यू कितना है तुम्हारे यहाँ पे, लेमडा डी एक्स, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी यहाँ पे बताओ, डी के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख दोगे, के लेमडा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इंटीग्रेट मार दो, कहाँ से कहाँ तक मारेंगे एक्स को, तो आगे तुम्हारा आंसर के लेमडा, ये वन बाई एक्स स्क्वायर का होता है माइनस वन बाई एक्स, तो तुम्हारा आ जाएगा वन बाई आर माइनस वन बाई आर प्लस, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा।